कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बात बात पर ट्रोलर्स का शिकार बन जाते हैं। राहुल ने शिवरात्रि के मौके पर देशवासियों को बधाई देने के लिए ट्वीट किया, लेकिन वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। राहुल ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। राहुल के इस ट्वीट के आते ही इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। संबित पात्रा ने लिखा, कांग्रेस का पहला नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ, कांग्रेस का दूसरा नारा था सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, कांग्रेस का तीसरा नारा था राहुल लाओ कुछ सीट बचाओ, कांग्रेस का चौथा नारा है प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ, और कांग्रेस का अंतिम नारा होगा कोई तो आओ कांग्रेस की अर्थी उठाओ। नरेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया, अपनी को शिव भक्त कहने वाले फर्जी हिंदू को अब शिवरात्रि का ट्वीट करने की याद आई। नीति सिंह ने लिखा, कृपया इंतजार करें, सबसे बड़े शिव भक्त नाग ढूंढ रहे हैं ताकि गले में लपेट के महाशिवरात्रि की शुभकामना दे सके। काजू कटली नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, भाई वो बस इतना ही बता दे कि कुल मिलाकर कितने ज्योतिर्लिंग है तो जमाना धन्य हो जाए। आपको बता दे कि राहुल गांधी इन दिनों कर्नाटक चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। कर्नाटक में राहुल जहां एक तरफ आक्रामक तरीके से मोदी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मंदिर मंदिर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेल रहे हैं।